एक मिनट छोड़ ना। अस्सलामुअलैकुम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया आने की, डॉक्टर फिराज का बहुत बहुत शुक्रिया आने की। हम तकलीफ का आगाज करते हैं कॉन्फ्रेंस का और तलावत कलाम पाक से। मैं इकबाल से गुजारिश करूंगा कि आप तलावत कलाम पाक से इसकी शुरुआत करें। थे यहाँ पे हंसी की माइक है। मदद मिली कि लोगों को पता चला कि बाहर की दुनिया कैसी।
उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जिसके अंदर हमने ये देखना चाहा कि अगर हमारे एक मेरे जो फ्रेंड, मैंने पिछले 8 साल में फेसबुक के ऊपर 5,000 बहुत इंटरेस्टिंग लोग जमा किए जो सारी दुनिया के थे, जिसके अंदर एप्पल के फाउंडर भी शामिल थे, CNN के मालिक भी शामिल थे। वो लोगों को जब मैंने फेसबुक पे जमा किया और मैं अपने ऑफिस के लोगों को कहता था कि आप मेरे पास काम करें, इन लोगों के साथ कनेक्ट हो जाके, क्योंकि मेरा कारोबार ज्यादा लोग सुधारे हैं तो आपको समझने में आसानी होगी कि बाहर के लोग किस तरीके से सोचते हैं, क्या उनका तरीकाकार है, उनका कल्चर क्या है, तो आप बेहतर तरीके से अपना काम सर अंजाम दे सकें। और उसके करने से मैंने ये नोट किया कि बहुत ज्यादा उनमें तब्दीलियां आती हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत फर्क हो जाती है, क्योंकि हम जिस मुआसरे को समझते नहीं हो उसमें काम बहुत मुश्किल है कि कर सकते हैं। और फेसबुक और इंटरनेट की वजह से जिस तरह हम सब कहते हैं कि कोई के मेंढक लोगों को कहते थे, तो अब वो अब सारे समंदर के मेंढक हो गए, कि सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होने की वजह से हम उस एक ग्लोबल कल्चर की तरफ जा रहे हैं। अब इस ग्लोबल कल्चर के अंदर हम अपने जो पुराना कल्चर था उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसको महफूज करने के लिए अगर हम कोशिश ना करें तो कहते हैं कि इस साल के अंत तक 3,000 जबानें दुनिया की नापैद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सिरे से वजूद उनका खत्म हो जाएगा इस सेंचुरी के आखिर तक। उसकी वजह यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग एक ही जबान को, बड़ी जबानों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो वजूहत थी जिनकी वजह से हमने ये सोचा कि अगर हम एक आम आदमी को ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो भी इंटरनेशनली अपने फ्रेंड्स के सर्कल को चेंज कर लेता है तो उसकी परफॉर्मेंस में क्या तब्दीली आती है। और तकरीबन 150 लोगों ने ये टारगेट अचीव किया पिछले 9-10 महीनों में, और इस वक्त तकरीबन 40-50 लोग हर महीने ये टारगेट अचीव करने में कामयाब हो रहे हैं, और वो एक अजीबोगरीब किस्म की अपनी ही एक बॉडी बन गई है, ये खुद ही अपने तरीके से ये अपना रूप धार चुकी है। आज की तकरीब के अंदर हम 5 ऐसे लोगों को यहाँ पर लैपटॉप देंगे जिन्होंने ये हदफ को पूरा किया, और उनसे आप एक एक मिनट सुन भी सकेंगे कि उनकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई। और मार्च में हम एक किताब रिलीज करेंगे इसके ऊपर कि 100 ऐसे लोगों के इंटरव्यूज होंगे उसके अंदर, जिसके अंदर आप देख सकेंगे कि उनकी माशरती और इकोनॉमिकल उनकी हालत जो है वो कितनी चेंज आई। वो किताब स्टीव साहब लिख रहे हैं एटलांटा में, और हमारा जो अभी तक के जो नंबर्स हैं वो ये है कि हमारा कोई भी आदमी जो ये काम कर देता है उसे 300 से 800 गुना ये चारों चीजों में बेहतर हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाते हैं, उसके अंदर टॉलरेंस बढ़ जाता है, उसकी इकोनॉमिक हालत अच्छी होना शुरू हो जाती है, और सोशली वो बहुत पॉपुलर होना शुरू हो जाता है। एक एग्जाम्पल हमारे पीछे यहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैदराबाद से आए हैं बाबर, और बाबर से जब मुलाकात हुई तो बाबर बहुत ज्यादा खौफ में मुब्तला थे और बहुत ज्यादा तस्वीर अपनी नहीं लगाते थे और बहुत ज्यादा फेसबुक से खौफजदा रहते थे, लोगों से बहुत नाराज रहते थे, और अब वो माशाल्लाह उस अपने सर्कल के अंदर एक हीरो हैं और उनको लोग सारी दुनिया से कनेक्ट करते हैं और उनसे उनको अपना उस्ताद मानते हैं। एक बच्चा अफ्रीका से, नाइजीरिया से, उसने मुझको वीडियो भेजी कि जी मेरे ये उस्ताद हैं बाबर, और मैं पहले पाकिस्तानियों को टेररिस्ट समझता था, और जब से मैंने आपके लिए कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और अब मैं पाकिस्तान को बुरा मुल्क नहीं समझता, बल्कि अब तो मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। एक और वाकया एक और साथी का है जो कि हिंदुस्तानी मुसलमान थे, और वो इंडिया से जब पहली दफा वहां गए, दुबई गए, तो वहां पर उन्होंने बाल कटवाने के लिए नाई के पास गए तो इत्तेफाक से उससे पूछ लिया, भाई आप कहाँ से हैं, तो वो इत्तेफाक से उनकी दाढ़ी बना रहा था, तो दाढ़ी बनाते हुए उसने जब पूछा कि कहाँ से है, तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ, नाई ने कहा। तो वो साहब इतने खौफजदा हुए कि भाई इसने ये पूछ लिया कि मैं हिंदुस्तान से हूँ तो मेरा गला काट देगा, यानी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इतना खौफ, मुसलमान होने के बावजूद भी पाकिस्तान से इतना खौफ था कि उनको ये खौफ था कि अगर उसको ये बात चला कि हिंदुस्तानी हूँ तो दुबई में भी वो उसका गला काटते, ये खौफ उसके दिमाग में इतना ज्यादा था। और आज उस शख्स के 3,500 पाकिस्तानी फेसबुक के ऊपर दोस्त हैं, और वो एम्बेसडर से पाकिस्तान से भी मुलाकात कर चुका है, और उसके ऊपर जो ATS वहां की इंडिया की फोर्स है वो उसको बुला चुके हैं, मैं ये क्या कर रही हूँ, इतने सारे तुम्हारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, तुम एजेंट कह सकते हो। तो
तो लोगों के अंदर जो खौफ और हिरास है वो उसी तरीके से कम होगा जब हम लोगों से मुलाकातें करेंगे। पिछले हफ्ते एक और इवेंट में डीजी जो रेंजर्स हैं वो आए हुए थे और उन्होंने आधे घंटे की स्पीच के बाद अपने एक बात बोली और ये बात उन्होंने बोली कि मैंने इस सारे मसले कराची को वार्ड से जब सोचा और मेराज भाई की वजह खुद से ही वस्तु से ही वो साहब आए डीजी साहब आए हुए थे तो उन्होंने बताया कि जब मैंने इसको वार्ड से देखा कि ये मसला शहर कराची का है क्या और मैंने पढ़ते पढ़ते बोली तो मुझको ये समझ में आया कि शहर कराची के अंदर हर कौम के नाम पे एक कॉलोनी बनी हुई है लेकिन ये कॉलोनी आपस में कोई चीज नहीं जानती। हमारे यहाँ एक एक्सट्रीम डिस्कनेक्शन है, आपस में नफरतें बढ़ गई हैं क्योंकि बात नहीं करते, शहर का साइज इतना बढ़ गया एक दूसरे को जानते नहीं है जिसकी वजह से फसादात और दूसरे के घर जाके हम डाका डाल देते हैं और क्योंकि हम नहीं है बल्कि वो और मैं के अंदर लगे हुए हैं और यही फसादात आसानी और फिरका वायलेंस के अंदर भी बनाते हैं। सबीर महमूद का जब इंतकाल हुआ कुछ महीने पहले तो हमने इस कंपटीशन को एक्सपैंड करके बलूचिस्तान में भी अनाउंस किया कि हम बलूचिस्तान में ज्यादा लैपटॉप्स देंगे कि बलोची लोग ज्यादा सामने आए क्योंकि जब मेरे इतफाक कुछ बलोचियों से मिलने का हुआ तो उनके अंदर ये एहसास कमजोरी था कि हम शायद हमको इग्नोर करते हैं बाकी पाकिस्तानी, तो वहां पर हमने जब ये कैंपेन शुरू करी तो अब इतने प्यारे प्यारे वहां के लोग सामने आए हैं जिससे इतनी अच्छी अच्छी हमारी दोस्तियां हो गई हैं कि हमें अब दिल चाहता है कि हम क्वेटा आराम से चले जाएं, खौफ नहीं आता क्योंकि हमारे वहाँ एक दोस्त या चार दोस्त मौजूद हैं जो हमको रिसीव करने वाले हैं और बेतहाशा इस तरह की स्टोरीज हैं जो कि हमने इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के फेसबुक पेज पे भी लगा दी हैं और वेबसाइट पे भी लगा दी हैं जो कि आप चाहे देख सकते हैं। इनमें स्टोरियां हैं फलस्तीन की स्टोरियां हैं, इसराइलियों की स्टोरियां हैं, अमेरिकनों की स्टोरियां हैं, इंडियनों की स्टोरियां हैं जिनको जिन्होंने ये काम किया और उससे उनके जो जहन साजी हुए जहन चेंज हुए इन एक्सपोजर से उसके आपको वहाँ पे वीडियोज मिल जाएंगे कि इनको क्या फवायद है और उन्हीं सारी वीडियोस को कंपाइल करके हम आगे एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करेंगे तकरीबन जून में नेक्स्ट ईयर में एंड मार्च तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि किताब पूरी हो जाएगी। ये इसका खुलासा है। मैं चाहूंगा कि हमारे दूसरे जमाने दूसरे दिन तक नहीं आए हैं तो हम उनका थोड़ा वेट कर रहे हैं। इन द मीन टाइम आप लोगों में से किसी के पास अगर कोई सवाल हो तो वो कर लें और जाके हम फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे यहाँ पर लाकर। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपका सवाल है कि क्या आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी अलाइन कर रहे हैं इस काम के साथ करने के लिए। देखिए मेरी पूरी ख्वाहिश है कि हर पॉलिटिकल पार्टी भी इस काम में शामिल हो क्योंकि अभी हम पाकिस्तान के लिए करने के बजाय उसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जिस पार्टी के पास जाओ दूसरी पार्टी का नाम भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं पिछले 6-7 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी वाला दूसरे पॉलिटिकल पार्टी वाले को अपने फेसबुक के अंदर तो ऐड कर ले और मेराज भाई के पास बहुत सारे ऐड रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी वालों का बहुत सारे ऐड रहे हैं और मैं इनका बहुत दिमाग खाता रहता हूँ फेसबुक के हवाले से कि खुदा के वास्ते चलाएं। और जब लास्ट टाइम फेसबुक बंद हुआ था तो उसके बाद जब खुलने का मना लाया तो मुझे इतफाक है कि मेराज भाई के साथ मुझे वो खुलने का मौका मिला। उस टाइम मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी जिसमें इन्वॉल्व हों क्योंकि उनके पास आवाज़ होती है और आप साहब भी कहते हैं कि जब तक पॉलिटिकल लीडर इन्वॉल्व नहीं होता खबर ही नहीं मिलती तो हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। फेक नेम से जो फेसबुक आईडी बनाते हैं अब फेसबुक के अंदर रिपोर्ट का ऑप्शन है, 24 घंटे में वो आईडी बंद कर देता है। अगर आप फेसबुक के ऊपर अगर आपके नाम से कोई आईडी बना लें या आपको शक हो कि फेक आईडी है तो वहां पर रिपोर्ट का बटन आ गया है और फेसबुक ने खूब क्रैक डाउन करना शुरू किया इस महीने से कि अगर आपकी कोई फेक आईडी है या दो आईडी भी है, फेसबुक अलाउ नहीं करता दो आईडी चलाना, तो अगर आपकी दूसरी आईडी की भी कोई रिपोर्ट कर देगा तो फेसबुक 24-36 घंटे में बंद कर देता है या किसी ने गलत तस्वीर इस्तेमाल की है और रिपोर्ट करते हैं। खासतौर पर जो खराब तस्वीर लोग बना देते हैं उस सिलसिले में अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो फौरन डिलीट हो जाती है, 15-20 मिनट में नोट किया है डिलीट हो जाती है। जी वही गुजारिश करी कि जो लोग कल किसी ने मुझसे ये सवाल किया कि लोग जो है वो बहुत खराबियां भी पैदा हो रही हैं
एक चीज का नोट कर लें कि हर नई आने वाली चीज के साथ खराबियां और अच्छाइयां दोनों शामिल होती हैं, और चीजें मुआशरा जब ठीक होता है तब इंसान ठीक होता है। मुआशरा कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि एक आदमी बनाता है, तो अगर कोई खराब किसी बनाता है तो उसको इग्नोर करने की जरूरत है, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। अगर उसको आप इग्नोर कर देंगे तो वो जो आपको उकसाने के लिए कोशिश कर रहा है, आपको दंगा बात कराने की कोशिश कर रहा है, वो खुद ही भाग जाएगा। और जहां तक ये टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई है, हम इंटरनेट से पाकिस्तान में बेशक आगे चले गए हों, हर मालिक से भी आगे चले गए हों, तो अब लेकिन हमारे यहाँ कंप्यूटर्स क्योंकि देर से आया। अगर आपको याद हो 85 में था, बहुत शुक्रिया अजीत भाई आने के लिए। आपको अगर मालूम हो 85 से पहले पाकिस्तान में पर्सनल कंप्यूटर्स लगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो अगर कंप्यूटर्स हमारे वालदैन ने नहीं देखे तो हम कंप्यूटर से वालदैन ज्यादातर बच्चों को दूर ही रखते हैं कि भैया इसको रेंटो प्यार उतार कर लो, कोई स्कूल का काम कर लो, ये बेकार है तुम्हारा, किसी काम नहीं आएगा। और आप जितने भी लोग आए हैं, मैंने एक किताब दी है आपको, इंटरनेट क्या है, उसके मास उसकी माजी हाल और मुस्तकबिल के ऊपर एक छोटी सी किताबचा है कि फ्यूचर के अंदर आप लोग क्या करेंगे। अगर आप सिर्फ 3 साल पहले नोट कर लें तो आप लोगों के पास व्हाट्सएप टाइप की कोई चीज़ नहीं थी, आज आपकी सारी चीज़ें व्हाट्सएप पर आ गई। अगले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में हर आदमी के पास एक बहुत ही ज्यादा तेज इंटरनेट वाला फोन और बहुत पावरफुल डिवाइस होगी, तो हमारी जो टोटल इकॉनमी है उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। इत्तेफाक से मेरा इस हफ्ते एक बच्चे से मिलने का मतलब खराब हुआ, तो मैंने कहा क्या करते हो, कहते हैं मैं ऑनलाइन चीजें बेचता हूँ। मैंने कहा कितना रेवेन्यू है, कहते 57 करोड़ साल का। तो 57 करोड़ एक छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है एक बच्चे के लिए जो कि ऑनलाइन बैठ के कमा रहा है। और वो बच्चे हैं जो कि आइंदा आगे चल के नवीन स्टोर्स और इंजार स्टोर्स को कॉम्पिटिशन देंगे, ये बड़े बड़े चैलेंज बन जाएंगे। और अगर हम इस इकोनॉमी को एम्ब्रेस नहीं करेंगे तो हमको, हमारे पास बहुत एडवांटेज है कि हमारे पास हमारा यूथ यंग है, हमारे पास एडवांटेज है कि हमारे पास इंटरनेट इतना सस्ता है, डिवाइसेज इतनी सस्ती हैं, कंप्यूटर्स इतने सस्ते हैं। हमें चाहिए कि इसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टिगेट करें और इसको चलाना शुरू करें, क्योंकि चलाना शुरू नहीं करेंगे तो रेस में दौड़ने के लिए पहले चलना जरूरी है, और रेस में जीतने के लिए चलाना अच्छा तरीके से आना चाहिए। तो अगर बच्चा आपको लग रहा है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसके साथ बैठ जाए और देखें वो कर क्या रहा है, उसे समझने की कोशिश करें, उसको चलाएंगे तो ही वो आप ही, जैसे केजी होती है उसमें केजी के अंदर बच्चे को पीएचडी की किताबें नहीं पढ़ाई जाती, केजी में खेलने की इजाजत दी जाती है। तो आप उसको कंप्यूटर पे खेलने दें, इंटरनेट पे खेलने को खुद भी बैठ के देखें कि आप इससे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो आपका बच्चा आपका उस्ताद है आजकल के जमाने के अंदर, वो आपके उसके अंदर लगता है कि वो बिल्ट इन करके भेजा जा रहे हैं सारा सब। आप 2 साल के बच्चे के हाथ में आईपैड है, वो ऐसे गड़बड़े है। और जो फ्यूचर में सबसे बड़ी एबिलिटी मेरे ख्याल में चाहिए होगी एजुकेशन के अंदर, वो होगा कि जो कुछ हमें मालूम है उसको भूलना पड़ेगा, और जो कुछ हमें आने वाला है उसको दोबारा सीखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप सब यहाँ बैठे हुए साथ ही, मेरा यकीन है कि 4-5 साल बाद आप सबके टीवी चैनल आप मोबाइल से चला रहे हो, कि मेरा मोबाइल लगा हुआ है इस वक्त कितने लोग ऑनलाइन में लाइव, 2000 लोग लाइव देख रहे हैं इस वक्त मुझको, यहाँ आप सबको बैठे हुए मेरे फेसबुक के ऊपर, मेरे फेसबुक के ऊपर 7 लाख लोग, तमाम पॉलिटिशियंस मिला के, जो छोटे पॉलिटिशियंस मिला के भी 7 लाख अनफॉर्चुनेटली नहीं बनते। उसकी वजह यह है कि लोग इसको समझते हैं कि ये काम की चीज नहीं, और होगा ये कि हम पीछे रह जाएं। अगर आज चलाना शुरू करेंगे तो लीड में आ जाएंगे थोड़े सालों में। फ्यूचर के अंदर आप अमेरिका के अंदर आपका बंदा बैठा हो या पाकिस्तान में बैठा हो, आज भी आप ईमेल भेजते हैं पाकिस्तान भेजते हैं अमरीका में भेजते हैं, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, पैसे तो उतने ही लगते हैं। तो लेकिन अगर आप यहाँ बैठ के काम करते हैं अकाउंटिंग का तो आपको 50,000 मिलते हैं, बाहर बैठ के करेंगे तो 4 लाख मिल जाएंगे। तो आप यहाँ क्यों काम करते हैं, आप स्वीडन में जॉब तलाश कर लें, अमरीका में जॉब तलाश कर लें, यहीं रहें बाहर काम करें। और ये ही वो चीज़ें हैं जो लोगों ने सीखी हैं बगैर मेरे सिखाए, क्योंकि इनके दोस्त बदल गए, जब इनके गैर मुल्की दोस्त हो गए तो इनके दिमागों में डिफरेंट चीज़ें समझ में आना शुरू हो। जवाब थोड़ा सा लंबा हो गया, जी
जी कंपटीशन देखिए माहौल बदलने से अगर यहाँ का बच्चा पाकिस्तानी बच्चा अमेरिका जाता है तो वो उर्दू तो नहीं बोलेगा, माहौल बदलने से वो बच्चा बहुत आगे चला जाता है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि हम ये देखें कि उसके माहौल बदलने से क्या वो बहुत आगे जाता है या नहीं जाता है। पाकिस्तान में बिल्कुल अच्छी शख्सियात है लेकिन पाकिस्तान से के अंदर एक मुझे जो कम से कम कराची में नजर आता है कि मैंने अगर सदर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका पर तो पाकिस्तानी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, खौफ आता है उसको क्योंकि वो जियो टीवी देख रहा होता है या कोई और चैनल देख रहा होता है तो उससे उसके अंदर खौफ आ जाता है लेकिन गैर मुल्की आ जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट की वजह से दर्जनों गैर मुल्की भी आए हैं पाकिस्तान क्योंकि उनको उनको मिला कि हाँ मेरा दोस्त है, मैं दोस्त के पास रहूंगा, उसके साथ घूमूंगा फिरूंगा। तो जो पाकिस्तानी लोग हैं जरूर उनसे भी कनेक्ट हैं लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्सपेरिमेंट ये था कि बाहर के लोगों को पाकिस्तान को बहुत बुरा समझते हैं। आप यकीन करें जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं आधा टाइम तो पाकिस्तान को डिफेंड करने में निकल जाते हैं, तो वहाँ जब सबसे पहले पूछते हैं वहाँ क्यों रहते हैं, वहाँ तो जंग हो रही है जी, बहुत तकलीफ होती है। तो इस वजह से जब हमने लोगों को समझाना शुरू किया बताना शुरू किया जिस तरह वो बच्चे की फिल्म एक बनाई उसने CNN पे इंटरव्यू आया, तो ये छोटे छोटे से काम है जो हम इसको यूज करके ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। CNN तो नहीं बन सकते था लेकिन हम इस ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पास अल्लाह ने दी। कोई और अगर सवाल नहीं हो तो मैं चाहूंगा कि मिराज भाई थोड़े से अल्फाज से हमें नवाज दें और फिर अली भाई थोड़े से अल्फाज से नवाज दें। मेरे तमाम साथी भाइयों, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले कैमरामैन, जर्नलिस्ट, कॉलम निगार, फोटोग्राफर, मेरे इज्जतनाक बहनों, यूं तो रेहान ने बहुत तफसील के साथ पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर इंटरनेट के फरोग के लिए सोशल मीडिया को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए, तामीरी सरगर्मियों के लिए आपके सामने बहुत अच्छी ब्रीफिंग भी दी है। और हकीकत तो ये है कि ये बैन अल-अक़वामी तौर पर इंसानों का एक दूसरे से राब्ते में आना ये इंतहाई मुफीद है, ये इंतहाई सूदमंद है, ये इंतहाई कारगर है। एक दूसरे के तजुर्बात से भी फायदा उठाया जाए, एक दूसरे के दुख और दर्द को भी समझा जाए और इंसानी अकदार, ह्यूमन वैल्यूज, यानी अजीब गरीब बात होती है कि दुनिया के अंदर एक जगह पर होने वाला वाकया बड़ी अहमियत रखता है, एक इंसान उसकी जिंदगी की भी अहमियत होती है। दुनिया के दूसरे हिस्से में अगर सैकड़ों लोग भी बेचारे शहीद कर दिए जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, तो कोई ऐसा आलमी रिस्पॉन्स हमारी नजर में देखने में नहीं आता। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसलिए वो बैनुल अफवामी वैल्यूज मशरक में रहने वाले की जिंदगी भी उतनी ही अहम है जितनी मगरब में रहने वाले की, और एक खत्ते में बसने वाला उसके जो दुख हैं अगर दूसरे खत्ते में बसने वाला उसके दुख को महसूस भी करे और उसके दुख और दर्द की दवा भी फराहम करने की कोशिश करे। इसलिए रेहान इस सिलसिले में बहुत काम करते रहे हैं, पाकिस्तानी नौजवानों को सोशल मीडिया के ऊपर न सिर्फ ये कि इसकी ट्रेनिंग देते रहे हैं, इसकी हौसला अफजाई करते रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते रहे हैं,
और बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में रहने वालों को एक दूसरे से बाहम नत्थी किया जाए और इस नत्थी करने के बाद फिर दुनिया के अंदर उन इंसानी अकदार को परवान चढ़ाया जाए जो मैं नहीं समझता कि बहुत सारे ममालिक के अंदर एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से जुदा हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन मैं रेहान को इस सारे काम पर मुबारकबाद भी देता हूं और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूं कि ये ठीक है, अपनी जगह हुकूमतों को जो जो किरदार अदा करना चाहिए वो हुकूमतें किरदार अदा करने से अगर गाफिल भी हों तब भी ये एक ऐसा दायरा है कि जिसने खुद अपने लिए रास्ता बना लिया है और शायद बहुत सारी जगहों पर काबू पाने के जराए ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन काबू पाने से ज्यादा मुनासिब ये है कि आज के नौजवान को अपनी आवाज इस सोशल मीडिया के जरिए ये पैगाम दुनिया भर तक पहुंचाना चाहिए, हम कौन हैं, हम क्या हैं और हमारी शनाख्त क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारा माजी क्या है। और ये माजी अगर हम दुनिया के सामने पेश करते हैं तो मैं नहीं समझता कि इस दुनिया के अंदर हमारे इस माजी के हवाले से हमारी कबूलियत ना हो सके। इसलिए हमें अपनी शनाख्त को बरकरार भी रखना होगा और इस अच्छी शनाख्त के साथ सारी दुनिया के अंदर अपने इस तारुफ को पेश करना होगा। मैं रेहान को एक दफा फिर मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी सोसाइटी सोशल मीडिया के जरिए अपनी दावत, अपना पैगाम सारी दुनिया के सामने पेश करेगी और पाकिस्तान के चेहरे को अगर आज कहीं पर दावदार किया जा रहा है तो इसके खूबसूरत चेहरा भी दुनिया के सामने आ सकेगा। बहुत शुक्रिया। मोहतरम हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत बता दूं कि मेरी इनसे मुलाकात आज पहली है कि लगता है कि हम बड़े जिगरी दोस्त हैं। तो ढाई साल से हम इतने क्लोज हैं, आपस में इनसे मुलाकात इनसे पहली हो रही है। तो रेहान अल्लावाला भाई हमारे सीनियर और बहुत बड़े सूबे के सियासतदान जी की साहब और आप तमाम साहब बहनों भाइयों साथी भाइयों हमारे कैमरे में हजरा और आपकी सोशल मीडिया की टीम और आपकी सामने काफी सारे पहलू जो आज की इस तकलीफ से रिलेटेड हैं उस पर तो अल्लाह साहब ने रोशनी डाली, बड़ी भरपूर डाली। और दूसरे एंगल जो इसमें बच सकता था उसमें राज भाई ने उसको बड़ा बेहतर अंदाज में किया कि नेशनली सोशल मीडिया का यूज भी हो सकता है, मिस यूज भी हो सकता है। बेहतर है कि इसका मस्बत इस्तेमाल करें और ये सोशल मीडिया एक इससे जो आजकल जो टेक्नोलॉजी की बात कर है जो कि मीडिया बात कर रहे हैं इसमें तो सोशल मीडिया उसमें मस्बत रोल प्ले कर सकता है। लेकिन बात यह कि हमें उसको यूज करना है या उसको हमें मिस यूज करना है। दूसरी मैं एक चीज बात करना चाह रहा हूं कि एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाह रहा हूं उनके काम से मुताबिक अल्लाह वाला फाउंडेशन के मुताबिक। एक मैं थर में गया था आज से डेढ़ साल पहले, वहां एक बच्ची थी, एक खातून थी जो कि एक स्कूल चला रही थी। वो तो माध्यमिक थी, हाथ से पांव से उसने खुद को इतफाक से घर वालों ने उसको मैट्रिक करा दिया और वो फ्री स्कूल चला रही थी। हम गए, हमने उसकी वीडियो रिलीज की, मतलब प्रेस में भी आया, सब में आया। तो बात होती है राज भाई असर किसने लिया, यहां किसी गवर्नमेंट के किसी इदारे ने किसी से कोई रब्ता नहीं किया। इन्होंने अमेरिका बैठ के मुझसे रहा भारत के एक बार साहब ने मौजूदा कहने के लिए आप हमें उसका नंबर दें, हम उस तक पहुंचना चाह रहे हैं। वो तय कीजिए एक बच्ची है जो कि खुद एजुकेशन करा रही है, हम उसकी मदद करना चाह रहे हैं। तो बात यह कि यहां तो कौन समझना चाह रहा है, कौन एक्शन लेना चाह रहा है। इसलिए कि बाहर सोशल मीडिया और ये जो आपका जो प्लान है यदि 500 फ्रेंड्स बनाए, इसका मतलब है कि एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक बच्चे को। क्यों वजह इसकी कि यहाँ 24 घंटे उसके अंदर कोई हम देख रहे हैं कि बच्चे के पास लैपटॉप खुला हुआ है, आईपैड खुला हुआ है तो वो कोई गेम खेली जा रही है या टाइम जाया किया जा रहा है या खुद चैटिंग हो रही है। आपने उसमें सही काम पे लगा दिया,
और अच्छी बात है, आजकल कम्युनिकेशन का दौर है, आजकल मीडिया का दौर है, लेकिन ये वाहिक मीडिया आजकल सोशल मीडिया हो जाए जिसमें कोई कदरा नहीं है। गलत चीजें बहुत सारी आ जाती है, बहुत सारी गलत होती है, लेकिन उसमें काफी ठीक भी होता है। उसमें हर शख्स अपने दिल की बात कर सकता है बगैर किसी सेंसर के, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी एडिटिंग के, बगैर किसी काट पीट के, वो जा सकती है। उसके बाद सामने देखने वाले उसमें जमात अखली जरूर कर लें कि किसमें एक्सेलरेशन है, किसमें इसमें गलत है, किसमें सही है। तो इनका जो काम मैंने देखा, मैं बड़ा फॉलो कर रहा हूँ इनको, गुर्बत के खात्मे के लिए और एजुकेशन के लिए, ये अल्लाह वाला फाउंडेशन का, रेहान साहब का, मैंने काफी काम देखा है। काश, और मैंने इनसे मैं एक वीडियो थी इनकी, तो इनके ढाई तीन चार मिनट की वीडियो थी, मैंने देखा तो खुद इनका फैन हुआ था। वहां एक बोलो, आज इन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ी, ये वेबसाइट है वहां, और इन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ी कि यहाँ रास्ते में रहते हैं, ये हर छोटे छोटे इशू को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ जो हमारे कामयाब लोग हैं, लाजमी नहीं कि जो बाहर चले गए, हम सब जिन्हें इस धरती ने इज्जत दी, इसने इस मुल्क ने इज्जत दी, जिन्हें एक मुकाम मिला, हम सब की जिम्मेदारी है हम देखें कि आज हमारा नौजवान जो शायद किसी के पास किताब नहीं है पढ़ना चाहता है, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है कुछ करना चाहता है, किसी के पास वसाई नहीं है, अगर वो तमाम लोग जो मराद हासिल कर गए या जो जिन्हें कुछ मिल गया, अगर वो सोचना शुरू करते हैं अल्लाह वाला साथ की तरह कि नहीं मेरा रोल अब स्टार्ट हो रहा है, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, अब मैं और किस किस कितने रेहान अल्लाह वाला मैं बनाऊं, कितने मिराजुद्दीन सिद्दीकी मैं बनाऊं, कितने हरी बात जो मैं बन चुका हूँ मैं बनाऊं, कितने मोहम्मद अहमद भाई कह गया, कितने बच्चों को ट्रेन करके बेहतरीन फोटोग्राफर मैं उनको बनाऊं। काश हम ये सोच ले क्या, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी सोच है और बड़ा इनका मिशन है, हम इनके मिशन में इनके फॉलोअर के तौर पे, इनके सपोर्टर के तौर पे, हमारी नेक तमन्नाएं इनके साथ होगी। मैं चाहूंगा कि इंशाल्लाह जो इन्होंने मुकाबले का जज्बा दिया है, हमारे बच्चे आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क की, मिराज भाई की बड़ी सी बात है कि आज का बड़ी बात है कि बदबू जो है बहुत ज्यादा असर करती है, कितने ट्रक गुलाब के फूल पड़े हो कुछ नहीं हो गए, कुत्ता का मार के डाल दो तो लोग कहेंगे बदबू आ रही है, अच्छी चीजों को उजागर करने की जरूरत है। इसी बात पे मैं इस अच्छी सी तकरीब जिसमें हमारे कुछ दोस्त से मुलाकात होगी, जो हमारे कहते हैं कल भी दोस्ती नहीं थी, कंप्यूटर दोस्ती चल रही थी, लेकिन वो आज हमारी लाइव दोस्ती आज आपके ऊपर प्रेस क्लब में हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें सुना, और रेहान साहब आपके बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे मुस्तकबिल हमारे बच्चों को आपने पॉजिटिव काम में लगाया, तो आपको जरूरत नहीं है, आप मेरे ख्याल बहुत था, पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ अमेरिका के सदर बन गए बहुत है, यहाँ जरूरत नहीं थी, आप यहाँ आराम के अच्छे नहीं, क्या पता बाहर पुलिस पकड़ ले, कोई छापे में चले जाए, किसी बुरा रास्ता किसी हमले में चले जाए, जरूरत तो नहीं है बड़ी, बेहतर है कि आप आ रहे हैं, अल्लाह ताला की जज्बों में जवाब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मोहब्बत, मैं जपना से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो दो मिनट आपके बताएं कि आप हिंदू हैं और आपने जब ये 500-600 मुसलमान दोस्त बनाए, तो पहले भी तो आप उस कराची में रहती थी, और क्या फर्क महसूस हुआ कि क्योंकि ज्यादातर मुसलमानों के फेसबुक में तो हिंदू नहीं होते, ज्यादातर मुसलमानों के फेसबुक में क्रिश्चियन नहीं होते, तो इससे आपको आपके दोस्तों को क्या हुआ? इसी तरह एस्टर भी है, एस्टर है उनकी ब्लाइंड है और ये पैदाइशी लाइन है, और इन्होंने भी लैपटॉप जीत लिया, तो बहुत सारे जो हमारी आंखों वाले हैं वो कहते हैं सर हम कैसे बनाएंगे, तो उनसे सबक लें। और मेरी एक गुजारिश है आप लोगों के तवसुत से कि मेरी ये ख्वाहिश है कि इस बिल्डिंग में जितने जर्नलिस्ट हैं, देखिए आप एक्चुअली तो आप इस मुल्क का शेप देते हैं, जो आप लिख देते हैं लोग यकीन कर लेते हैं जी ऐसा ही हुआ, तो आप लोगों के विजन को एक्सपैंड करने की सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा कि अगर आप भी इस कंपटीशन में आपके बच्चे और आप हिस्सा लें, और मैं अगली दफा जब आऊँ तो यहाँ 50 जर्नलिस्ट हो जिनको मैं लाख पहुंचता हूँ, मेरी ये पूरी दिल से ख्वाहिश है। तो मैं ये मेरा चौथा प्रोग्राम है, मैं दो दफा ट्रेनिंग के लिए भी कराची क्लब आ चुका हूँ बताने के लिए, लेकिन ज्यादा सही नहीं हुआ, शायद इस दफा लैपटॉप सर जाए, उम्मीद करता हूँ कि होगा। जितना अगर आप रेस्टर अगर आप दो दो मिनट आके हमें अपने एक्सपीरियंसेस से आगाह करना, शुक्रिया। एस्टर जो है वो क्रिश्चियन है और जपना जो है हिंदू है, ज्यादातर जो है वो हमारे रेशो के हिसाब से मुसलमानों ही जीते हैं, लेकिन इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और इनसे तो अंतरिम कर सकते
एस्टर कैसी हैं आप? एस्टर ये माइक है, थैंक यू सो मच, नाइस टू सी ऑल्सो। ये दो मिनट आप जो इनको बताएं कि आपको क्या फायदा हुआ ये लीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो फीलिंग वेरी हैप्पी टू सी रिहान भाई, ये भी एक ख्वाहिश थी, वही जो हलीम साहब कह रहे थे कि ये काफी फ्रेंडशिप थी, कंप्यूटर के थ्रू थी, अब वो प्रैक्टिकली हम फील कर रहे हैं इसको। 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स के हवाले से मैं आप सबको ये अनाउंस करते हुए प्लेजर और ऑनर फील कर रही हूँ कि आई एम द फर्स्ट ब्लाइंड हु हैज गॉट 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स विद मिस्टर रेहान अल्लाह वाला, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो वाकई बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि आप लोग यूज करते हैं कंप्यूटर माउस से, राइट? आपने बटन पे क्लिक किया, हो गया। इसको फ्रेंडशिप आपने एक आपके सामने लिस्ट सारी आपने जिसको क्लिक करना है आपने भेज दिया, आपने आंख से एक सेकंड में सारा प्रोफाइल पढ़ा, भेज दिया। एक ब्लाइंड बंदे को थोड़ा टाइम लगता है उसको, उसके लिंक पे जाके उसका प्रोफाइल पढ़ना, उसको देखना और फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट बटन प्रेस करना, मतलब इट टेक्स टाइम, बट स्टिल आई मैनेज। तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर मैंने ये काम किया और बहुत कुछ सीखा, बहुत, इट वॉज अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आई फाउंड वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लैंड, अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, कोरिया और बहुत, मतलब सारे एशिया से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह से वो अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, किस तरह से, मतलब बहुत सारे अपने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, बट बीन टू उर्दू मीडियम स्कूल, मुझे बहुत सारी जगहों पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी अंग्रेजी को भी इम्प्रूव कर रही हूँ, जो कि वक्त की जरूरत है। और जब मुझे लैपटॉप मिला तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक ब्लाइंड बंदे के लिए लैपटॉप क्या है। एक ब्लाइंड बंदे के लिए लैपटॉप उसको इतना इंडिपेंडेंट बना देता है कि मुझे एक बुक रीड करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपसे कहूँ, इससे कहूँ, उससे कहूँ, उससे बेहतर है कि मैं उसे स्कैन करूँ और अपने कंप्यूटर के थ्रू इंडिपेंडेंटली पढ़ लूँ। ये कॉन्ट्रीब्यूशन है एक इस टेक्नोलॉजी का ब्लाइंड की जिंदगी में। और मेरा ये ख्याल है कि जितने भी जो ब्लाइंड लोग हैं मैं उनको भी मैसेज दूंगी कि वो भी आए और पूरी दुनिया से फ्रेंड्स बनाएं और उनसे सीखें। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक चीज का मुझे और बड़ा फायदा हुआ कि अवेयरनेस देने में लोग नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग जो रेहान भाई के भी फ्रेंड्स थे आते थे और पूछते हाउ डू यू यूज कंप्यूटर, रेहान भाई ऐसे ही है ना, एक ब्लाइंड बंदा कंप्यूटर कैसे यूज करता है, आप टाइप कैसे करती हैं, आप मैसेज कैसे लिखती हैं, आप मैसेज को रिप्लाई कैसे करती हैं, इस तरह के सवालों से मैं अक्सर इनकाउंटर होती थी और मैं जवाब देना बहुत अच्छा महसूस करती थी, क्योंकि इसके थ्रू मैं बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर रही हूँ अपनी कम्युनिटी के हवाले से कि किस तरह से ब्लाइंड लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, किस तरह से टॉकिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। आजकल तो कोई डिसेबिलिटी है ही नहीं, इतनी एक्सेसिबिलिटी आ गई है सॉफ्टवेयर के थ्रू कि हम तो समझते नहीं है कि कोई डिसेबिलिटी है। माशरा किसी को डिसेबल समझे तो समझे, अदरवाइज हम अपनी डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी नहीं समझते। तो ये है आज के हवाले से। मैं सबको, उन सब लोगों को जिन्होंने लैपटॉप विन किया है, अपनी तरफ से मुबारकबाद देती हूँ और नए लोगों को मैं भी इन्वाइट करती हूँ कि आए रेहान भाई के 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाए और लैपटॉप विन करें। थैंक यू सो मच। मैं सर यहाँ से फर्स्ट टाइम मैं किसी रेस्टोरेंट से, मतलब मैं कुछ और ढूंढ रही थी तो मुझे सर रेहान अल्लाह वाला मिल गए प्रोफाइल वगैरह चेक की, ये सब कुछ चेक किया तो फिर सर रेहान की प्रोफाइल में देखा कि सर रेहान की कॉम्पिटिशन रख रहे हैं। मैंने इस कॉम्पिटिशन को पार्टिसिपेट किया पर मुझे 15 डेज में मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं बन रहा था,
ऐसा इंडियन फ्रेंड्स बना रहे थे, सब इंडियन फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आप पाकिस्तान में रह रहे हो, हिंदू होके रह रहे हो, टेररिज्म रहते हैं, यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, आप अपने फेस्टिवल सही तरह से नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमने प्रूफ करके दिखाया। फिर मैंने सर रहमान अलावा से बात वगैरह की, कुछ और फेक पीपल्स भी थे वहाँ से बात की, सर रहमान से भी। मैंने मोर पर शिकर सर, मतलब मुझे पता चला कि किस तरह से हम पीपल्स को फेस आउट कर सकते हैं। फेक पीपल्स हमें बहुत सारे एसपी पे मिलते हैं, किस तरह से पता चलता है कि बहुत सारे फेक पीपल हैं, ये फेक पीपल है, फेस आउट कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे इंडियंस लोगों ने बोला कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, वापस आ जाओ पाकिस्तान, क्यों रह रही हो, इंडिया आ जाओ, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें वगैरह, ऐसा कुछ नहीं सिस्टम है। मैं इंडियन हूँ, प्योर सेफ हूँ, यहाँ पर अपने हर फेस्टिवल्स वगैरह सब सेव कर सकती हूँ, सब कुछ सही तरह से कर सकती हूँ। जिस जिन ने बहुत लैपटॉप जीता है उनको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। सर रेहान को बहुत थैंक यू, सर रेहान ने हमें एज अ हम जो अनकन्फर्म अन जो हम लोग कन्फर्म नहीं कर कॉन्फिडेंस नहीं कर सके थे, उससे हमें कॉन्फिडेंस मिला। बहुत सारे मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि सर रेहान अलावा फेक हैं, समथिंग है, सर रेहान से मिलना चाहिए, सर रेहान अलावा की कोई भी सेल फोन नंबर नहीं है, आज पता चल गया सही है। फेक पीपल है, मैं अब देख लीजिए प्रूफ हो क्या, सर रेहान अलावा फेक नहीं है, रियल पीपल है, रियल पर्सन है, जो खुद का है। थैंक यू। हम तकरीब को कंटिन्यू करते हुए अब मेरे सामने टाइम कम लग गया है तो हम लैपटॉप देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मिसेस सैसल अगर आप हैं जी आइए। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे जी? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द दोस हु आर प्रेजेंट ओवर हियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग 500 म्यूचुअल फंड्स विद यू। जैसे कि आई एम अ गवर्नमेंट टीचर बाय प्रोफेशन एंड एज सर हैज टोल्ड दैट माय नेम इज अना कृष्ण अंसारी, आई एम प्रेजेंट हियर ऑन बिहाफ ऑफ माय हस्बैंड हु हैड टू गो टू अटेंड सम ऑफिशियल मीटिंग। ही इज वर्किंग इन एंटी नारकोटिक्स फोर्स, मिस्टर कृष्ण अंसारी। Some of you might have known him. Using this platform, first of all, I'd like to say thanks to all those users, Facebook users, if they are watching me online, to say thanks to them for adding me up and into their friends list. And I'm also pretty much obliged to Mr. Hanala Bala, because I was getting frustrated to meet him. I'm happy to meet him today. And the other thing is that this task of getting connected to people using Facebook, it has been accessible to all of us. I think this is the era of technology. Internet and access of internet is there almost at every home. Mr. Rehan Alagunda has been a source who has mobilized us to use this Facebook process by starting this competition, as well as asking us to make friends. It's been a wonderful and amazing experience to add friends from across the globe, and I'm proud to share with you that today people know me in America, in Australia. I've got so many Afghan, Tajik, and many of the American friends. This has been a wonderful, again I'll say that I've learned a lot. It's been a wonderful experience because already I've known a lot of things, but
the most important thing is that that everyone has repeated over here, the concept of Pakistan is that the concept of religion, the terrorism, extremism, fundamentalism, these things sometimes they are clear to us, but this process of, should I stop, sir, or is on the way? Okay, I must continue and I'm going to stop it for a while. अब अजान के बाद नमाज का वक्त हो जाएगा तो हम फटाफट दे देते हैं. हाफिज अब्दुल रहीम, एक बात, बहुत सारे लोगों से मैं जानता हूँ, बात करता हूँ, आज पहली दफा खुद भी मिल रहा हूँ, तो अली भाई प्लीज. सतीवन कुमार, कैसे बोलते हैं आपका नाम? सतीवन ही बोलते हैं. बिराजरी प्लीज. थैंक यू सो मच. वजीद अहमद, अनीस जो है केवल क्यू यूथ के साथ हो गए, एमएसएफ के अंदर. थैंक यू सो मच अजी. दोबारा फुजैर अहमद, आप लोग लड़ाई करें, अगला मैच दे दो. थैंक यू सो मच. अगला भाई, सब खत्म हो गया, कोई रहता तो नहीं भाई, रात के पास सारे सुबह उठ के सबसे पहले मुझे जो है वो ये फेस करना पड़ता है, रेहान भाई 500 हो गए लैपटॉप को भी, और सबसे पहला ये काम मुझे फेस करना पड़ता है, मेरे 600 से 8-6 घंटे रोज के निकल जाते हैं. लेकिन मजा ये आता है कि आप फलस्तीन से आ रहे हैं, सीरिया से आ रहे हैं, इजिप्ट से आ रहे हैं, नाइजीरिया से आ रहे हैं, घाना से आ रहे हैं, तो वो ममालिक जिनके नाम भी नहीं मालूम थे, वहां से लोग 500 पाकिस्तानियों को दोस्त बना के बैठे हैं और पाकिस्तान आने के लिए तड़प रहे हैं. तो ये अजीबोगरीब सी एक एक्सपीरियंस है जो कि मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसको जरूर शुरू करें. हमने लास्ट महीने एक हमारे एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर ऑफ हंगरी ने, हंगरी के अंदर जो पाकिस्तानी जिसे, उन्होंने एम्बेसी में दिया एक हंगेरियन को, और 3 हम दे चुके हैं इंडिया में, जो हिंदुस्तानी थे जो उन्होंने पाकिस्तानियों को दोस्त बनाया, और एक फलस्तीन और 4 फलस्तीन में और आ जाए. और सबसे मजे की बात है कि अगला काम शुरू होगा कि जब ये लोग भी सीख जाएंगे तो अब हम इनको ऑनलाइन काम करना सिखा सकते हैं कि तुम घर से बैठ के, जैसे फलस्तीन में अब 50% काम नहीं है, लोग नहीं कर सकते कि जॉब्स नहीं, तो वो लोग अपने घरों से बैठ के काम कर सकते हैं. कश्मीर में इश्यूज हैं, पाकिस्तान में बहुत इश्यूज हैं, कम लोग पैसे कमा पाते हैं, तो ऑनलाइन ज्यादा लोग पैसे कमा सकते हैं, और इसका एडवांटेज हमें उठाना चाहिए कि अब हम सब इक्वल हो गए हैं, हमारे पास बॉर्डर्स खत्म हो गए, तो हमें एडवांटेज उठाना चाहिए. लेकिन क्योंकि हम समझते नहीं है कि इसके फवायद क्या हैं, तो हम नहीं आ पा रहे. हुसैन आपको भी अच्छा, तो इख्तिताम कर लेते हैं नमाज की वजह से. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में आप खूब छाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान को मार्केट कर सकें. शुक्रिया. ओ अल्लाह, धन्यवाद जी, जब बदल जाएंगे मदद कर लूंगा.